हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, देश में अब तक दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार तीन बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है। पहले थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, इस आंकड़े के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। हालांकि मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने और नेहरू के रिकॉर्ड में एक बड़ा फर्क है। मोदी ने चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद मंगलवार को एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को यानी भारतीयों को नमन करता हूँ। एक तरफ 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले के दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाई और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। दूसरी ओर 1951 से लेकर 1952 में पहले आम चुनाव में नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। 1957 में दूसरे चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली और नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। 1962 में हुए तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को इस बार 361 सीटें मिली थी और प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू 1947 से 1964 तक पीएम रहे। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली थी। 1966, 1977 और 1980 से 1984 तक पीएम रही इंदिरा गांधी ने 15 साल 350 दिनों तक सत्ता संभाली थी। पीएम नरेंद्र मोदी 10 सालों से लगातार सत्ता संभालते आ रहे हैं और अब नया कार्यकाल शुरू होने वाला है। यानी सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ तो दिया है, लेकिन उस रिकॉर्ड में और इस रिकॉर्ड में जनादेश का काफी बड़ा अंतर है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।